बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर थ्री चैप्टर वही है, वेव मोशन। आज डिस्कस करेंगे ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ वेव्स, जिसमें हमने मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्कस किया था। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि ट्रांसवर्स वेव्स और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, दोनों मैकेनिकल वेव्स की, बल्कि दोनों मैकेनिकल वेव्स या मैकेनिकल वेव्स की किस्म है। ठीक है, तो आज डिस्कस करेंगे ट्रांसवर्स वेव्स। एक फिगर बना देता हूँ, लेट्स से वही रोप। ठीक है, अब इसमें अगर हम वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, और वेव्स इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है। अगर शुरू के दो तीन लेक्चर अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था वेव्स जब किसी मीडियम से गुजरती है तो मीडियम के जो पार्टिकल है वो अपनी जगह को नहीं छोड़ते, बल्कि अपनी जगह पे वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट करो ये मीडियम के पार्टिकल्स है, ऐसे ये पार्टिकल्स है। ठीक है, और वेव्स इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, तो अब ये डायरेक्शन ऑफ वेव हुआ, ठीक है, और ये वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स है दरअसल। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान दरअसल एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो इस किस्म के वेव्स को हम क्या कहते हैं, दरअसल ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं, यानी ट्रांसवर्स वेव्स इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। यानी अब मीडियम के जो पार्टिकल है वो इस तरफ वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, जबकि वेव की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। तो ये दोनों दरअसल एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अब इसको अच्छी तरह समझने के लिए मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा, उसमें पहले आप इसको अच्छी तरह से समझ सकोगे। अब यहां देखो, ये एक स्लिंकी स्प्रिंग है। अब इसने इसको जर्क दे ऊपर नीचे करके, ठीक है, अब देखो ये ऊपर नीचे इसको जर्क दे रहे हैं, आपको आपके पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ये ट्रांसवर्स वेव्स है। अब किस तरह ट्रांसवर्स वेव्स है, इसको गौर से देखो। ये दरअसल जो आपको ब्लूइश डॉट नजर आ रहा है, ये क्या है, पार्टिकल ऑफ द मीडियम है। ठीक है, ये पार्टिकल ऑफ द मीडियम को शो कर रहा है और डायरेक्शन ऑफ वेव इस डायरेक्शन में है। इसको देखे, ये पार्टिकल ऑफ द मीडियम आपको नजर आ रहा है, ठीक है, और ये डायरेक्शन ऑफ द वेव है। अब डायरेक्शन ऑफ द वेव, पार्टिकल ऑफ द मीडियम, आप देखो ये ऊपर नीचे हो रहा है, तो यानी इसको मैं ऐसा करूँ, ये डायरेक्शन ऑफ द वेव और ये मीडियम पार्टिकल, मीडियम के जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ये दोनों दरअसल कौन सा एंगल बना रहे हैं, राइट एंगल, यानी 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। तो यानी वो वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, यानी वो वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल या मीडियम के पार्टिकल की वाइब्रेशन परपेंडिकुलर हो डायरेक्शन ऑफ वेव के, उस वेव को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। अब इसको मैं दोबारा वो करता हूँ पीछे, अब देखो, अब इसने हल्का सा जर्क दिया है, देखो ये ऊपर गया। अब ये जब कंटिन्यूसली ऐसे करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह होगा, ये ट्रांसवर्स वेव्स है, ये मीडियम पार्टिकल, ठीक है, और ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ द वेव्स। तो ये वेव आपके पास क्या होगा, ट्रांसवर्स वेव होगा। ठीक है, वेव्स वीडियो आपने देखा, अब इसकी डेफिनेशन ये क्या होगी कि पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, यानी दोज वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स। यानी आपने वीडियो में देखा कि जो पार्टिकल ऑफ मीडियम है वो भी इस तरफ मूव कर रहे थे, वेव्स की डायरेक्शन भी इस तरफ थी, दोनों चूंकि सेम डायरेक्शन में है तो इट मीन्स इनके दरमियान जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो सच काइंड ऑफ वेव्स या सच काइंड ऑफ वेव्स इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इसको हम कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं। और वीडियो में आपको मैंने बताया था कि जिस तरह ट्रांसवर्स वेव्स के दो हिस्से, क्रस्ट और ट्रफ, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के भी दो हिस्से है। ठीक है, एक को हम कहते हैं कंप्रेशन और दूसरा क्या है, रेयरफैक्शन। कंप्रेशन आपने वीडियो में देखा होगा, उधर मैंने पास भी की आपको बताया भी कि जहां पे
जो आपका मीडियम जो स्प्रिंग था वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे क्लोज था, ठीक है ना, तो उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन कहते हैं। और आपने दूसरा पोर्शन देखा जो वो जिसमें स्प्रिंग जो था वो एक दूसरे से थोड़ा दूर था, यानी जो पार्टिकल्स थे वो दूर थे, तो वो दरअसल क्या है, रेयरफैक्शन है, ठीक है। तो इसकी जो एग्जांपल है वो दरअसल क्या है, साउंड वेव्स है, ठीक है। साउंड वेव्स दरअसल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है, कंप्रेशनल वेव्स होता है, ठीक है। ये नेक्स्ट हमारे चैप्टर है, इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ट्रांसवर्स वेव्स आपको समझ आ गया होगा। अब इसके कुछ पोर्शन डिस्कस करेंगे। लेट से ये जो लाइन है ये मीन लाइन है, ठीक है, मीन पोजीशन। तो यहाँ देखो आपको दो चीज नजर आ रहा है, एक आपके पास क्या है, पोर्शन अबव द मीन पोजीशन है, और एक पोर्शन क्या है, बिलो द मीन पोजीशन है, ठीक है। वो पोजीशन जो अबव द मीन पोजीशन हो, यानी वो एरिया, ये मतलब ट्रांसवर्स वेव्स का वो हिस्सा जो अबव मीन पोजीशन हो, उसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। ये दरअसल इसको मुझे इस तरह कहना चाहिए था कि ट्रांसवर्स वेव्स के दो हिस्से होते हैं, एक है क्रस्ट, दूसरा क्या है, ट्रफ, इसको हम ट्रफ कहते हैं, ठीक है। क्रस्ट क्या है, द पोर्शन अबव द मीन लेवल या मीन पोजिशन, द पोर्शन अबव द मीन लेवल और इसका और क्रस्ट। और ट्रफ क्या है, द पोर्शन बिलो द मीन लेवल इसका और ट्रफ। अच्छा, बास किताबों में क्रस्ट की कुछ और डेफिनेशन है, बास किताबों में कहता है कि वो पॉइंट जिसमें आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो। अब यहां एक लफ्ज आ रहा है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, हम कहते हैं कि भाई एम्पलीट्यूड द मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस कहेंगे या डिस्प्लेसमेंट कहेंगे ऑन द आइदर साइड ऑफ मीन पोजीशन, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या है कि द मैक्सिमम डिस्टेंस, अब ये जो पॉइंट यहाँ पे आपका डिस्टेंस मैक्सिमम है, ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस दोबारा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, या डिस्प्लेसमेंट आप उसको कहो। सो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ मीन पोजिशन, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, दरअसल ये क्या है, एम्पलीट्यूड है, यानी ये वाला ये चीज इसको हम क्या कहते हैं, ये दरअसल क्या है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। अच्छा, बास किताबों में क्रस्ट की डेफिनेशन इस तरह भी है कि वो पॉइंट जहां पे आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, सिर्फ उस पॉइंट को हम क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ ये एक पॉइंट, चूंकि यहाँ पे हमारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, तो सिर्फ ये पॉइंट क्रस्ट होगा और ये पॉइंट क्या होगा, ट्रफ होगा। लेकिन हमारी किताब में क्या लिखा है कि भाई द पोर्शन अबव द मीन लेवल क्रस्ट कहलाएगा और पोर्शन बिलो द मीन लेवल क्या कहलाएगा, ट्रफ कहलाएगा। अच्छा, एक यहाँ पे एक और चीज भी है, क्रस्ट और ट्रफ तो हमें समझ में आया, अब एक और चीज है वेवलेंथ। वेवलेंथ हमारे पास, हम कहते हैं कि भाई अब ये क्रस्ट है, दो क्रस्ट है, ये दो ट्रफ है, तो दो क्रस्ट का दरमियानी फासला या दो ट्रफ का दरमियानी फासला दरअसल क्या कहलाएगा, वेवलेंथ कहलाएगा। वेवलेंथ को हम क्या किस चीज से जाहिर करते हैं, लेमडा के साथ, ठीक है, ग्रीक लेटर है लेमडा। अच्छा, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेकेटिव क्रस्ट, दो कंजेकेटिव क्रस्ट का दरमियानी फासला या फिर दो कंजेकेटिव ट्रफ का दरमियानी फासला दरअसल क्या कहलाएगा, वेवलेंथ कहलाएगा। अगर हमारा वेव पीरियोडिक हो, अब ये चूंकि वेव जो तस्वीर जो मैंने बनाया है ये पीरियोडिक नहीं है, अगर वेव हमारा पीरियोडिक हो तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेकेटिव ट्रफ और डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेकेटिव क्रस्ट दोनों हमेशा सेम होते हैं, अगर हमारे पास क्या हो, पीरियोडिक वेव्स है, ठीक है। अगर पीरियोडिक वेव्स हो तो ये डिस्टेंस दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये था ट्रांसवर्स वेव्स का क्रस्ट ट्रफ वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड। अब आते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स
इसका उलट है। यहाँ पे हमने क्या था कि क्या कहा था कि मीडियम के पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव करें, यहाँ मीडियम पार्टिकल क्या मूव करेगा, पैरेलल मूव करेगा। इसका भी एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा, तो फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखें, ये वही स्लिंकी स्प्रिंग। अब ट्रांसवर्स वेव में अगर आपको याद होगा, हमने ऊपर नीचे मूव किया था ना। अब यहाँ देखो, यहाँ किस तरह हम मूव करेंगे, आगे पीछे हम मूव करेंगे। ये देखो आगे पीछे, ठीक है। ये दरअसल लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसमें आप देखो कुछ ये डायरेक्शन ऑफ द वेव्स है, ठीक है, जो आपको नजर आ रहा है, और मीडियम के पार्टिकल भी उसके साथ मूव करेंगे। ये जो है ये मीडियम पार्टिकल है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेव्स की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज यहाँ मैं आपको और बताता चलूँ, ये देखें, इसको थोड़ा मैं पीछे करूँ। अब यहाँ देखो जो स्प्रिंग के जो कुछ हिस्सा यहाँ पे देखो बिल्कुल करीब आए हैं, और ये एक दूसरे से क्या हुए है, थोड़ा दूर है। अगर आप इसको और से देखो, यानी ये देखो यहाँ करीब है और वहाँ पे क्या है, थोड़े दूर एक दूसरे के साथ, ये करीब है फिर ये दूर है, ठीक है। तो इसको भी आगे मैं आपको अभी बताऊंगा।